राजस्थान पटवारी के छात्र ये चाहते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाए। और आप सभी के लिए अभी अभी RSMWSB भर्ती बोर्ड ने आप सभी के रिजल्ट और फाइनल आंसर की पर काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट जारी कर दी। हमारे जितने भी राजस्थान पटवारी के छात्र आज की वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। आप सभी का फाइनल आंसर की और रिजल्ट पर काफ़ी बड़ी अपडेट, साथ ही साथ आपका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा, फाइनल कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गिरने वाला है, कम होने वाला है, क्योंकि आप सभी के पदों की संख्या को इंक्रीज़ करने को लेकर भी लगातार छात्र यहाँ पर प्रयास कर रहे थे, ट्विटर पर कंपैक ने चला रहे थे, तो उसका भी आप सभी को आज के इस वीडियो में अपडेट मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, बताते हैं आपको पूरी अपडेट। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी राजस्थान पटवारी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती है आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे भी आपको राजस्थान पटवारी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले बिल्कुल सटीक मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, बताते हैं आपको पूरी अपडेट। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी खुशखबरी, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर, और कोई अपडेट आए राजस्थान पटवारी एग्जाम से रिलेटेड और हमसे छूट जाए ऐसा कभी नहीं होगा। आपको बता दें सबसे पहले आप सभी तक अपडेट पहुंचाना हम लोग काम रहता है। और अभी अभी आप सभी बता दें राजस्थान पटवारी की जितने भी हमारे छात्र हैं, जैसा कि डेट देख पा रहे होंगे 14 नवंबर को अपडेट की गई है, आप सभी के रिजल्ट पर काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। आप सभी का रिजल्ट अब जारी होने जा रहा है और इस बार आप सभी के लिए एक और काफ़ी बड़ी अपडेट, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी, यानी कि 23 और 24 की शिफ्ट में आप लोगों के नंबर बढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा था आप लोगों से और आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर नॉर्मलाइजेशन इस बार दिया नहीं गया है नोटिफिकेशन में, लेकिन हमने आपको बताया था कि इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन होना तय है। और यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे RSMWSB पटवारी भर्ती परीक्षा रिजल्ट तैयार करने को लेकर मानक घोषित कर दिया, और राजस्थान ने जो अपना RSMWSB ने के अनुसार रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत घोषित किया जाएगा, यानी कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट में आपके नंबर बढ़ने तय हैं और 24 की सेकंड शिफ्ट में आपके नंबर बढ़ने तय हैं। 24 की सेकंड शिफ्ट में बात कर लें तो 15 से 20 अंक तक, जबकि 23 की फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको 15 तक आपको अंक बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। आप सभी के रिजल्ट पर काफ़ी बड़ी अपडेट, नॉर्मलाइजेशन के तहत आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा RSMWSB.raisthan.gov.in पर। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अधिकारियों ने अपडेट की है कि आपका रिजल्ट 26 दिसंबर 2021 तक आप सभी को ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिया जाए। काफ़ी बड़ी खबर।